करे लग सकते क्या देख सकते बहुत ही पथरीला रास्ता है जहाँ अपन सावधानी पूर्वक चलू धाम घूमने के बाद हम अब जतमई खटारानी और चिंगरा पगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं पहले जतमई खटारानी या फिर चिंगरा पगार जाते हैं कहाँ जाएंगे वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। फिलहाल अभी चाय की थोड़ा थकान दूर करने के लिए चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बोलिए हर हर महादेव। जय जोहार संगवारी हो। हमन पहुंच गए हैं चिंगरा पगार जो बहुत भीड़ है। यह गरियाबंद में है और आप मैं बता दो कि ज़्यादा दिन नहीं कुछ दिन पहले ये उजागर हुई है और इमा से दो तीन क्वेश्चन हर पेपर में आते। अभी जो श्रम विभाग के पेपर दिला अभी चिंगरा पगार के बारे में पूछे रही से तो चलो देखन आगे। बहुत भीड़ है आज चिंगरा पगार में तो वीडियो के अंत तक बने रहो और मैं बता दे एक बार और बता देता हूँ कि यह गरियाबंद में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों अगर आप चिंगरा पगार नहीं गए हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर चले गए हो फिर भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि जतमई खटारानी के प्रसिद्ध झरनों की तरह है गरियाबंद में एक और झरना है जिसका नाम है चिंगरा पगार। जी हाँ दोस्तों रायपुर सड़क मार्ग पर एक बहुत ही खूबसूरत बरसाती झरना। बरसाती झरना कहने का मतलब यह है कि यह गर्मी के दिनों में सूख जाता है और बरसात में यह बहुत ही खूबसूरत बरसाती झरना की तरह होता है जिसे स्थानीय लोग चिंगरा पगार कहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि कचना धुरुआ तथा बारिका जंगल के बीचों बीच पहाड़ों को चीरता हुआ यह झरना करीब 110 फीट की ऊंचाई से गिरती है। दोस्तों दर्शकों का मन लुभाने के लिए यह दृश्य बहुत ही अनोखा होता है जिसे देखने के लिए आज हम जा रहे हैं। बरसात में अधिक पानी जमा कर चलते ही पहाड़ों के बीचों बीच गिरने वाले झरनों इस पानी की कलकल करती हुई बहुत दूर तक आवाज सुनाई देती है जिसे आपको देरी होगी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि रायपुर के आसपास स्थित प्रमुख और बेस्ट पिकनिक स्पॉट में से इस जलप्रपात का भी नाम आता है। यह जलप्रपात एक पिकनिक स्पॉट भी है। काफी दूर से लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं जैसे कि आप देख सकते हो बहुत भीड़ है और अधिक मात्रा में आ रहे हैं और जा रहे हैं। देख सकते हो कि हजारों लाखों के भीड़ में यहाँ प्रतिदिन पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ आया जाता है और लुत्फ उठाया जाता है। दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ कि चिंगरा पगार जलप्रपात आप कैसे पहुँच सकते हैं। बारुका से 3 किलोमीटर चलने पर दिखता है यह अत्यंत ही सुंदर झरना है। दोस्तों
दोस्तों अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो बारूका से 3 किलोमीटर चलने पर दिखता है। यह अत्यंत ही सुंदर झरना है। दरियाबंद से रायपुर की ओर बढ़ने पर करीब 15 किलोमीटर दूर बारूका से होकर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। बारूका से करीब 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के पश्चात यह पहुँचा जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि 5 बजे के बाद यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता, यहाँ 9 से 5 बजे तक ही प्रवेश दिया जाता है, जो कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है। दोस्तों 1 किलोमीटर हम पैदल चल रहे हैं, अब हमन ला आधा घंटा के रास्ता उ है, कम से कम आधा किलोमीटर उ है, तो हम पूरा थक गए हैं, तो हमारे ग्रुप यहाँ पास आराम कर रहे हैं। ये देखते हैं कि ग्रुप है, अब एक बाद मैं आप लक्षण दिखा रहा हूँ चिंगरा पगार के, जे हिसाब से पानी निकला ते हिसाब से आपसे लक्षण दिखा, ते हिसाब से चिंगरा पगार के लक्षण दिख गए हैं। यहाँ से झरना निकला थे तो आगे पक्का चिंगरा पगार है, तो हमन है अब यही माध्यम से अब आगे चिंगरा पगार जाबो। तो चलो आप मतलब आगे ले जाते हैं, कुछ देर नाश्ता करे के बाद इतने चिंगरा पगार जाबो। देख सकते हो कतका घना जंगल है, ये गरियाबंद के जंगल है। दोस्तों हम बात कर रहे थे चिंगरा पगार कैसे पहुंचे, बात हुआ था सड़क मार्ग का, अब बात करते हैं रेल मार्ग का। दोस्तों रेल मार्ग द्वारा गरियाबंद रेलवे स्टेशन पहुंचने के पश्चात आपको ऑटो या बस की सुविधा प्राप्त हो जाती है, जहां से रायपुर की ओर बढ़ने पर 15 किलोमीटर की दूर पर यह जलप्रपात मिलती है। यह हुआ रेलवे मार्ग के द्वारा। दोस्तों मैं बता दूं कि हवाई मार्ग के द्वारा निकटस्थित हवाई अड्डा रायपुर की स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, जहाँ से आप गरियाबंद बस ट्रेन या बाइक की मदद से आप पहुंच सकते हो। यहाँ आने की एक और बहुत ही जबरदस्त खासियत है, यहाँ आके आप जतनई घटरानी और भूतेश्वर भी घूम सकते हो, जो कि यह बहुत ही विख्यात जगह है। उसके बाद यह जलप्रपात भी बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों यहाँ जरा सा भी लापरवाही आपके जान ले सकता है, इसलिए अगर आप यहाँ आते हो तो अच्छे से रहिएगा, अच्छे से यात्रा कीजिएगा और प्रकृति का लुत्फ जरूर उठाइएगा। लुत्फ उठाते उठाते अपने नियमों का पालन भी जरूर कीजिएगा। देख सकते हो ऊपर 110 फीट ऊपर झरना गिरती है। कई लोग इतना लापरवाह होते हैं कि ऊपर में जाकर खड़ा हो जाते हैं और वहाँ से अपना हीरोगिरी दिखाते हैं, जो कि यह बहुत गलत बात है। इससे आपकी जान भी जा सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकता है। तो कृपया मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि कभी भी आप ऊपर जाकर ना खड़ा हो, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकता है। आराम से जाइएगा, क्योंकि यहाँ फिसलन बहुत है, यहाँ काई जमा भी हो गया है, इस वजह से निरंतर पानी रहने की वजह से यहाँ फिसलन सा हो गया है। देखिए जल कितना स्वच्छ है, साफ है। यहाँ श्रद्धालु यहाँ दार्शनिक दर्शन करने देखने के लिए आए हैं, तो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और आ रहे हैं और जा रहे हैं। पानी की कलकल एक अलग ही मनमोहक मन को शांति देते हुए
दिखाओगे? नीचे चप्पल ले दे देना, नहीं पकड़े तो बना दे रहे, मैंने पकड़ ले तो नहीं पकड़े ना। अभी यहाँ पे बैग देख लो, यहाँ पे बैग बहुत मजा आई संगवारी हो नहाए में झरना में। तो आप मतलब झरना का वीडियो नहीं बना सकते, खुद में है नहा रहे हो, अब नहा टेलना जा रहे हैं यहाँ चिंगरा पगार। तो आप मतलब यहाँ के दृश्य कैसे लगी आप मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊँ, और वीडियो वाला पूरा देखे हो तो कमेंट करूँ। अगर झरना में आ गए हूँ धसपुर में तो ज़रूर बताऊँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपन नाम लिख दूँ और कौन जिला का तेरा लिख दूँ। तो चलो आगे और रूट है उगर वीडियो आप मतलब दिखाबो, आगे अंत तक वीडियो तक बने रहो, धन्यवाद। गाड़ी हो हमन झरना के मजा लेट रहे हैं, अबे हरे हमार वापसी पड़ाव, हम वापसी में अब हम जाबो धस कहाँ कौन कौन से आगे पढ़ीजिए भी जतमई घटरानी जाना है कर बात। तो आप मन अगर जतमई घटरानी देख रहे हो तो हमार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अगर नहीं देखे हो तो आप मन जरूर देखे बड़ा हो। आप मतलब जतमई घटरानी की पूरा दृश्य दिखाबो अगर समय और टाइम में पहुँच जातन। तो अभी आ रहे हैं हमन है चिंगरा पगार, जो कि आपकी पीएससी लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो गरियाबंद जिला में है, जो अभी अभी विख्यात हो है, पहले ला कोई नहीं जाना दृश्य से, लेकिन अभी फुल चलन में है। तो आप मन यहाँ आके एक बार जरूर देखो। चलो जय श्री राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।